नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम। आप देख रहे हैं जागो पंच। जागो पंच आपके लिए लगातार लेके आ रहा है सच्ची रामायण की सीरीज में विभिन्न करेक्टरों व उस पुस्तक में क्या लिखा गया है इस बारे में आप तक इस वीडियो के माध्यम से आप तक इस पुस्तक को पहुंचाया जा रहा है। आपसे आग्रह है कि आप सभी इस पुस्तक के अंशों को ध्यान से, गौर से पढ़ें, क्योंकि देखें, क्योंकि जरूरी है कि जो ग्रंथ हम पर थोपे गए हैं उन ग्रंथों की सत्यता क्या है, उन जो हमारे आदर्श पुरुष बनाए गए हैं उन आदर्श पुरुष की चरित्रों के बारे में, उन आदर्श पुरुषों के कार्यकलापों के बारे में, आदर्श नारियों के कार्यकलापों के बारे में क्या लिखा गया है, ये हमें लोगों के बताने के हिसाब से, लोग जो कहें उसे न मानकर हम उन पुस्तकों को आधार मान सकते हैं जिन पुस्तकों को पहले उन चरित्र चित्रण में, उनके चरित्र चित्रण के बारे में पहले लिखा गया था। अर्थात आज हम रामचरितमानस की पुस्तक को लेते हैं तो उस पुस्तक में जो कुछ भी मिलता है वो पहली पुस्तक से कोई मेल नहीं खाता, कोई उसका उसकी तुलना अगर करें तो बिल्कुल चरित्रों के बिल्कुल डिफरेंस है, बिल्कुल बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो हम यहाँ बात करते हैं कि जो पहली पुस्तक जिससे रेफरेंसल, जिससे ये पूरी पुस्तक की कहानी ली गई थी, वो कहानी दूसरी पुस्तक में मिलती नहीं, केवल चरित्र चित्रण मिलता है। करेक्टर वही रहते हैं लेकिन उनके चरित्र बदल जाते हैं। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हम लोगों की बातों में या हजारों साल आई हुए लोगों की बातों में जिन्होंने लिखा उस रामचरितमानस को और वाल्मीकि रामायण को, दोनों में कई हजार वर्षों का अंतर रहा है, तो उस अंतर को अगर हम देखते हैं तो क्या वो अंतर उतने दिनों में, क्या एक व्यक्ति का चरित्र अगर बहुत गलत एक पुस्तक में लिखा है तो दूसरी पुस्तक में सालों के अंतर पे वो फिल्टर कैसे हो सकता है? फिल्टर ऐसे हो सकता है कि जैसे अभी कोई एक व्यक्ति दुर्घटना को, मान लीजिए कानपुर एक्सप्रेसवे पे कोई एक घटना हो जाती है तो वहां व्यक्ति देखता है कि यहां पर ये एक्सीडेंट बस और जीप में हुआ, जीप के सभी लोग, दो लोग मर गए और चार लोग जिंदा रहे। अब यही बात पहला व्यक्ति जाके यथावत दूसरे व्यक्ति को बताता है तो दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, अगर हम इस तरह उस बात को परीक्षण भी कर लें तो निश्चित तौर पर अंतिम तक जाते जाते पूरी स्थिति बदल जाएगी। तो घटना क्या, जो पहला व्यक्ति बता रहा है दूसरे तक कुछ सच्चाई हो सकती है। इसी तरह ये वाल्मीकि रामायण और तुलसी की रामायण में अंतराल आया है। जो वाल्मीकि ने लिखा है वह आगे चलते 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 बदलता हुआ चला आया, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में राम के चरित्र को एक बहुत ही निष्कृष्ट चरित्र दिखाया गया है, तो उस चरित्र को बदला कैसे जाए, उस चरित्र को महान कैसे बनाया जाए, लोगों के दिमाग में उस चरित्र को पूजनीय कैसे बनाया जाए, यह सहने सहने एक प्रक्रिया के तहत होता चला आया है। तो ये प्रक्रिया हमारे महापुरुषों ने इस प्रक्रिया को चेक किया और उसे फैक्ट चेक किया, और वहां उस फैक्ट चेक में निकलता है कि जो राम था उसके चरित्र चित्रण को पूरी तरह से बदला गया है, और उसके जो वाल्मीकि की लिखी पुस्तक था उस वाल्मीकि की लिखी पुस्तक के अंशों को यहां पर दिखाने का प्रयास किया है कि कौन महापुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम राम था, या वो अवतार था, या वो साधारण मानव था, या वो राजा था। इसके बारे में आप विभिन्न मतावलंबियों और जो हमारे इतिहासकार हैं और जो हमारे विशेषज्ञ हैं जो जिन्होंने इस विषय में अन्वेषण किया है, उनके कहने के अनुसार वो कोई दैवीय शक्ति नहीं थी। वो दैवीय शक्ति केवल उन पाखंडियों और अंधविश्वासियों ने उसमें दैवीय शक्ति डाल दी, जो पाखंडी
अपना रोजी रोटी राम के जरिए चलाना चाहते थे, उन्हें ईश्वर बना के पूजा पाठ करना चाहते थे, ये उनकी देन है। बाकी हमारे जितने भी इतिहासकार हैं ज्यादातर का विचार ये है कि कोई कहता है राम एक पुरुष थे और वो कोई उनमें दैवीय शक्ति नहीं थी, वाल्मीकि भी यही कहते हैं और हमारे बहुत से सारे इतिहासकार हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन कुछ पाखंडी और अंधविश्वासी हैं वो उन्हें जबरन अलौकिक पुरुष बनाने में लगे हुए हैं। तो इसे जबरन अलौकिक पुरुष की पोल खोलती हुई पुस्तक है सच्ची रामायण, जो आपके सामने लेके आया हूं, और इस पुस्तक के जरिए मैं ये बताना चाहता हूं अपने समाज को, मैं उनको ये नहीं बताना चाहता कि जो पहले से पाखंड में घिरे हुए हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं जो हमारे अपने पाखंड में घिरे हुए हैं और उनका शोषण हो रहा है पाखंड और अंधविश्वास के जरिए। तो मैं उन्हें पाखंड और शोषण से बचाना चाहता हूं कि आप भी ज्ञान का इस्तेमाल करिए। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको जो बता रहा हूं आप उसे सुनने की कोशिश करिए, और क्योंकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं इसीलिए आप ये मेरा चैनल ऑन किए हुए हैं, तो आप अच्छे श्रोता हैं तो आपका दायित्व ये बनता है कि जो मैं बोल रहा हूं क्या वो सचमुच उस सच्ची रामायण में लिखा गया है, क्या सच्ची रामायण में जो लिखा गया है सचमुच वाल्मीकि ने लिखा है। अगर आप अच्छे श्रोता हैं तो आप अच्छे दिमाग के स्वामी हैं, जब आप अच्छे दिमाग के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पर आप उसका इस्तेमाल करिए, और जानिए कि राम गुंडा था या सीता वैश्या थी। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आपको यह सब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसी में ये पेरियार के शब्द थे कि राम गुंडा था या सीता वैश्या थी, इन सब चीजों को कैसे इसमें डिफाइन किया गया, कैसे इसमें बताया गया है, आप सब ये सब सुनिए और जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज रामचरितमानस के झूठ को आप सभी जानेंगे सच्ची रामायण के जरिए। तो सच्ची रामायण के हम उस भाग पे पहुंच चुके हैं जहां सीता और राम के चरित्र के बारे में लिखा गया है, तो आइए शुरू करते हैं राम और सीता के चरित्र। वाल्मीकि रामायण के आधार पर श्री प्रेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा संग्रहित ब्राह्मणों के साथ ही साथ छापे खाने भी हम लोगों के रामायण के वर्णित मिथ्या तथा दुराचरण पूर्ण बातों के प्रकट करने में हमारे जो शत्रु हैं, वे समाचार पत्रों में जो कुछ मैं तर्कपूर्ण बातें उपस्थित करता हूं बिना उससे संबंधित तर्कपूर्ण संदर्भ को प्रकट करते हुए मेरे लिखे हुए समाचार के एक या दो पत्र फाड़कर शेष अधूरे लेख को भोलेपन से ये छपवा देंगे कि पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर कहते हैं कि राम गुंडा तथा सीता वैश्या थी, इसका अर्थ क्या है? इसका तात्पर्य केवल यह है कि भ्रमोत्पादक काट छांट और भ्रमोत्पादक तर से लोगों को हमारे विरुद्ध खड़ा करना है। तो आप यहां पर देख चुके हैं कि कैसे ईवी रामास्वामी नायकर ने अपनी पुस्तक में यह नहीं लिखा कि सीता वैश्या थी या राम गुंडा था, लेकिन कुछ लेखों में जहां पर ऐसे शब्दों की चर्चा की गई थी उन पत्रों को आधा फाड़ दिया गया। जब उनको आधा फाड़ दिया गया और नीचे की शब्दावली रह गई कि राम गुंडा था और सीता वैश्या, उसे लोगों को दिखा के पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर के खिलाफ लोगों को खड़ा करना था। इसके प्रति उन्होंने बहुत भयंकर साजिशें की थी, क्योंकि सच्ची रामायण पोल खोलती है रामचरितमानस के उस पाखंड और अंधविश्वास को, क्योंकि वाल्मीकि रामायण से रामचरितमानस का कोई लेना देना नहीं है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आइए आगे चलते हैं। रामायण केवल कपोल कल्पित गप है, यह ईश्वर की कथा नहीं है जैसा कि सर्वसाधारण लोगों द्वारा समझी जाती है। इस बात की बहुत पुरुषों द्वारा स्वीकार किया गया है। श्री गांधी ने स्वयं कहा था मेरा राम रामायण के राम के समान नहीं है। श्री टीके चितंबर नाथ मुदलियर, जिनका
उन्हें चिढ़ाने वाला उपनाम कलयुग कंबा है ने घोषणा की है कि रामायण कोई कथा नहीं, भारत इतिक्षा समाधि के सदस्यों ने वैदिक युग नामक स्वलिखित पुस्तक में वर्णन किया गया है कि किसी भी पुराण में पुराण की ना कोई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ना वे शिक्षाप्रद हैं और ना उनके पात्रों व चरित्र चित्रण, उनका जो चरित्र चित्रण है वो अनुकरणीय है, केवल मिथ्या गप है। श्री राजगोपालाचार्य ने घोषित किया है कि राम ईश्वर नहीं है, वह केवल एक योद्धा मात्र हैं। आप यहां से समझ सकते हैं कि जो लिखा गया है इस सच्ची रामायण में, यह केवल एक व्यक्ति के विचार नहीं है। यहां पर गांधी भी शामिल है, यहां पर राजगोपालाचार्य भी शामिल हैं और यहां पे अन्य विशेषज्ञ जो इतिहासकार थे वो भी शामिल हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक साधारण व्यक्ति को हीरो कैसे बनाना है। यह यदि आप सीखना चाहते हैं तो ब्राह्मणों से संपर्क करिए। ये मामूली से पत्थर को भगवान बनाने की कला इनके अंदर है, लेकिन एक जो जाति से, जिसे इन्होंने जात से नीचा बना दिया, उसे ब्राह्मण बनाने की शक्ति और खूबी इनमें नहीं है, बाकी सारी खूबियां इनमें निहित है। तो आइए हम आगे चलते हैं पुस्तक के अंशों पे, क्योंकि मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता और पुस्तक के अंशों को ज्यादा से ज्यादा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या राम ईश्वर का अवतार है? तो इसमें आगे लिखा है, अनुसंधान के अन्य विद्यार्थी तथा विद्वान इसी प्रकार के समर्थक हैं। ये राम को ना तो ईश्वर का अवतार मानते हैं और ना रामायण को इस प्रकार के स्वर्गीय पुरुष का जीवन इतिहास। वाल्मीकि के साथ ही साथ मौलिक रामायण के अन्य लेखक ने भी अपनी पुस्तक में राम को उतना सम्मानित नहीं किया है जितना कि उसे ईश्वर का अपमान मानकर सम्मानित किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम उद्गम पृष्ठभूमि जहां से कथा प्रारंभ होती है अनर्थक तथा हास्यास्पद है। वह वहां वर्णन किया गया है कि विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला। अब आप समझिएगा कि राम का उद्गम स्थल या राम के जन्म की संरचना कहां से रची गई थी, इसके बारे में सैकड़ों मतभेद है और इन मतभेदों को कोई झुठला नहीं सकता, क्योंकि यह लोगों जो लोक कहानियां होती हैं, लोगों में प्रचलित होती हैं, वह लिखित भी हैं। तो यहां पे पहली कहानी है, विष्णु ने बिरहु मुनि की स्त्री को मार डाला, इसके दुष्परिणाम मुनि ने उसे श्राप दिया, तू भविष्य में मनुष्य के रूप में पैदा होगा और तेरी स्त्री हर ली जाएगी, इस प्रकार मेरी भांति तू भी स्त्री वियोग के दारुण का दुख सहेगा। एक कथा तो इस प्रकार थी। अब अगली कथा सुनिए। दूसरी कथा इस प्रकार चलती है कि वही विष्णु जलंधर की पत्नी वृंदा पर मोहित हो गया। वाह क्या बात है, ये जितने भी ईश्वर हैं वो दूसरे की पत्नी अपनी बेटी को देखकर मोहित बहुत होते हैं। पता नहीं कितने रसिया टाइप के देवी देवता या भगवान हैं, अपनी बनाई सृष्टि पर भी ये मोहित हो जाते हैं, अपने लिए स्पेशल कुछ नहीं बना पाते, अपने लिए जो भी बनाएंगे उनमें मन नहीं लगेगा इनका, ये जो दूसरे की रहती है उसमें बहुत जल्दी इनका मन लगता है। ये हमारे ये सारे के सारे ऋग्वेद अथर्ववेद जितने में लिखे ना सब में है, ये प्रभु कभी एक पे मन नहीं लगाते, ये जो आ गया सुंदर दिखा मन लगा लिया, क्या बात है, इन्हें हम भगवान कहेंगे। आइए चलते हैं भगवान की लीला आगे क्या है। जब वृंदा पर इनका दिल मोहित हो गया, उसके बाद उन्होंने जलंधर को छल कपट पूर्वक मार डाला, और जब मार डाला तो जलंधर के वेश धारण करके उसकी स्त्री का सतीत्व लूटा। वाह रे ईश्वर क्या बात है, ऐसे ईश्वर हैं हमारे, जिनकी हम मंदिर बनवा के बड़ी बड़ी पूजा करते हैं। कितने बड़े रसिया मनमौजी थे, हमें तो समाज में इस तरह की छूट ही नहीं है। आज हम किसी को मार के किसी के पत्नी के साथ ऐसा अगर कर दे तो निश्चित तौर पर पता लगने के बाद कितनी भयंकर सजा है, लेकिन
इन लोगों के लिए कोई सजा निर्धारित नहीं है, इनकी सजा आगे क्या है वृंदा जी बताएंगी। तो जब स्त्री का, उनके स्त्री का, वृंदा का जब इन्होंने सतीत्व लूट लिया, तो विष्णु द्वारा इस प्रकार ठगी किए जाने का रहस्य जब जलंधर के स्त्री को पता चला तो उसने साफ दे दिया, कहा ठीक है, ठीक यही दुखद घटना तेरी स्त्री के प्रति हो, इसी साप श्राप के फल स्वरूप उसे पृथ्वी पर पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ा। आप यहां पे समझने की कोशिश करिए कि ये कितने बड़े छलिया हैं जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया और यही धरती पे अपनी ही बनाई कृति पे मोहित हो गए और उसे मारने के लिए ये धरती पहुंच गए। आप इन भगवानों की हकीकत जानिए, यह हकीकत जानने के लिए आपको उसके बीच में आना पड़ेगा। बाहर से कोई मेरा वीडियो आपको दिखा दे थोड़ा सा हिस्सा कि अचल सिद्धार्थ यादव राम को गुंडा और सीता को वेश्या कह रहे हैं तो प्रथम दृष्टया आप तुरंत इस वीडियो से हट जाएंगे, अरे ये तो हमारे प्रभु को गलत बोल रहा है। अरे भैया, आपके प्रभु को गलत नहीं बोला है, यहां पुस्तक के अंशों को पढ़ के मैं सुना रहा हूं और यहां पे आपके प्रभु द्वारा किए गए कृत्यों को बता रहा हूं जो पुस्तक में लिखा है और आपके ही न्यायालय ने इस पुस्तक को हरी झंडी दी है। तो आइए आगे चलते हैं, तीसरी कथा, राम के उद्गम की तीसरी कथा। अब आप देखिए, एक कथा नहीं है, राम के पैदा होने के लिए विष्णु ने कितने कुकर्म किए थे, कितने श्राप लिए थे तब राम पैदा हुए थे। अगर मैं इसको कहूंगा तो आप कहोगे ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं गलत नहीं बोल रहा। इसमें तीन तरह की कहानियां दी गई हैं, उन तीनों कहानियों के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि मैं पुस्तक की बातों को पढ़ रहा हूं कि मेरा समाज ये जाने कि राम की उत्पत्ति के लिए विष्णु के साथ एक श्राप काम कर रहा है या तीन तीन श्राप काम कर रहे हैं या ये श्राप चलते जा रहे हैं। तो कैसे आगे चलते हैं, तीसरी कथा का स्रोत इस प्रकार है। एक बार विष्णु अपनी थिरुमगल नाम की पत्नी के साथ दिन दिहाड़े रति क्रीड़ा में विमग्न था। भाई विष्णु के तो पत्नियों की था नहीं है, अपन एक से परेशान हो जाते हैं, एक से दुखी हो जाते हैं और ये दूसरों को पत्नियों के साथ छल भी कराते हैं और अपनी पत्नियों के साथ सरेआम भी लग जाते हैं। तो दिन दिहाड़े रति क्रीड़ा में विमग्न था, उस समय शिव का प्रधान गण वहां आन पहुंचा, इस पर तनिक भी ध्यान ना देते हुए विष्णु अपने विषय भोग में लगा रहा। वाह क्या बात है, अपने इस अपमान से कुपित होकर वह गण नंदी के पास गया और उसने अपमान का संपूर्ण समाचार शिव से निवेदन किया कि इस पर शंकर ने उसे श्राप दिया कि वह पुनः पृथ्वी पर जन्म ले और अपनी स्त्री के हरण किए जाने का शोक सहन करे, इस कारण उसने पृथ्वी पर पुनः अवतार लिया। राम के पृथ्वी पर अवतार धारण करने के निरर्थक तथा हास्यास्पद है। अब आप यहां पर जो कहानी आपके सामने आ रही है वो कहानी कितनी रोमांचक है, ये कहानी आपके अंदर वो इंटरेस्ट जगाएगी कि वाकई ही हमें अपने भगवानों का करैक्टर अनुसरण करना चाहिए। लेकिन मैं कह रहा हूं इस करैक्टर पे नकेल किसने डाली है, तो वो डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा लिखित संविधान ने डाली है, क्योंकि यहां तो भगवान ही रसिया हुआ करते थे, विष्णु तो एक नंबर के रसिया। भाई तीन कथाएं, मतलब उन्होंने सोच लिया जब राम को पैदा ही करना है, एक श्राप मिल गया तो दस कुकर्म कर डालो और सबके श्रापों को ले लो और एक जन्म में निपट के फिर भाग आओ। क्या मजेदार घटनाएं हैं, हम तो वाकई ही पता नहीं कैसे ये
इस इन घटनाओं को विश्वास कर लेते हैं और उन्हें मान लेते हैं कि नहीं ये सत्य होंगी। चलिए फिलहाल सत्यता और असत्यता के बारे में आप स्वयं निर्णय लें, क्योंकि हमारे जो श्रोतागण हैं ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, तभी यहाँ तक सुनने के लिए बैठे हुए हैं। तो आप सभी बहुत अच्छा श्रोता हैं, तो और आप सभी बुद्धिजीविता के क्षेत्र में अपना कदम रख रहे हैं, तो आप इस कहानी के साथ लगातार बने रहिए। हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें उस परिवार को देखना है जिसमें राम ने उतार लिया। राम के पिता राजा दशरथ की अपनी 3 राजवंशीय स्त्रियों के अतिरिक्त 60,000 स्त्रियां थी, 60,000, और वह आदर्श पिता है। अभी आप और हम में से कोई 2 शादी कर लेता है, पूरे मोहल्ले में उसकी थूथू हो जाती है, वो आदर्श पति नहीं कहलाता, तो पिता क्या कहलाएगा? क्या समाज था पहले? वाकई अगर सच्चा था तो वही समय लौट आए, लेकिन वो समय लौटेगा तो हम आप बड़ी दुर्दशा में होंगे, इसलिए इसे कहानी मानकर कहानी में ही रहते हैं। तो आगे चलते हैं। रामायण में वर्णन किया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न यज्ञ की विधिवत संपूर्ति और समाप्ति के फलस्वरूप पैदा हुए थे। आज तक ये यज्ञ से पैदा हुए थे। आज तक मैंने देखा है या आपने देखा होगा, विवाह के बाद पति पत्नी एक साथ सोते हैं या संसर्ग करते हैं तभी संतानों की उत्पत्ति होती है। ये यज्ञ वाले तो बहुत, अब मेरे ख्याल से तो जब से मैं समझ रहा हूँ तब से तो पैदा ही होना बंद हो गए हैं। ये आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं जो देख रहे हों, उनके समय में कोई यज्ञ से पैदा हुआ कोई व्यक्ति हो तो कृपया जानकारी दें, मैं दर्शन करना चाहता हूँ ऐसे दिव्य पुरुष से जो यज्ञ से पैदा हुआ हो। बड़ी जिज्ञासा है कि यज्ञ से निकला हुआ व्यक्ति कितना सुंदर और संस्कारी होगा, क्योंकि अभी तक जो पैदा हुए हैं वो अपने माँ बाप के गुणसूत्रों से पैदा हुए हैं, लेकिन वो आहूतियों के जोर से जो पैदा है उसमें अनाजों के भी गुण होंगे, आग के भी गुण होंगे। तो प्लीज़ आप सभी से आग्रह, आपके आसपास कोई यज्ञ से निकला हुआ दिव्य पुरुष हो तो अवश्य बताइएगा। तो आगे चलते हैं। अब हम यज्ञ की विशेषताओं पर ध्यान दें। कई प्रकार की चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े और जंगली जानवर मारे जाते थे और सभी मृत जीवों का आग में भूनकर कबाब बना दिया जाता था और ब्राह्मण लोग उसे खाते थे। ठीक। तत्पश्चात दशरथ की 3 स्त्रियां उन पुरोहितों को सौंप दी गई जिन्होंने यज्ञ किया था। आपके यहां भी यदि ऐसा कोई यज्ञ कराना हो तो संपर्क करिएगा, इस तरह का यज्ञ मैं करने को तैयार हूं सारे विधि विधान से, बशर्ते जो दशरथ ने किया था वो करने को तैयार हो। दशरथ की बातें जैसे उन्होंने दशरथ ने किया था, अगर ऐसी बातें मानने को तैयार है तो मैं भी ऐसा यज्ञ एक करके देखना चाहता हूं कि वाकई ही मैं इस यज्ञ द्वारा कुछ कर पाता हूं या नहीं। तो आइए चलते हैं पुस्तक के अंशों के आगे। तो हंसी आ रही है आपसे इस तरह की बातें करके, वाकई ही हमारे महापुरुषों ने बड़ी दिव्य कृतियां की हैं। ये भारत की धरती पर पैदा हुए हैं कि इन्होंने कहानियां इतनी मजेदार लिखी हैं, ये कहानियां ऐसी हैं कि बताइए, हंसी आ रही है, पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही। तो रामायण के अनुवादक बंगाल निवासी पंडित मनमन नाथ दातार लिखते हैं कि कौशल्या ने बड़ी उत्सुकता पूर्वक एक घोड़े के 3 टुकड़े कर डाले और बिना किसी मनोव्यथा के उस मृत घोड़े के साथ संपूर्ण रात बिता दी। होता, अद्वर्य, उक्ता और अन्य ऋग्विका पुरोहितों ने 3 रानियों के साथ संभोग किया। इस प्रकार दशरथ के पुत्रों का जन्म हुआ। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे जन्म हुआ,
राम का और उनके भाइयों का। क्या यह कोई अवतार लेने के ढंग हैं? क्या कोई कथा इस प्रकार बेढंगे तरीके से लिखी जानी चाहिए? भाई कहानी किसी तरह भी लिखी जानी है, कहानी कहानी होती है। तो मैं ये वाल्मीकि जी को गलत नहीं लिखूंगा कि उन्होंने कभी राम को अवतारिक नहीं बताया, उन्होंने राम को ऐसे शब्द नहीं बताए दिव्य पुरुष। और यहां पर दिव्य पुरुष वो होता है जो एक आदर्श होता है। अब विष्णु को कोई कह दे कि वह अलौकिक या श्रेष्ठ व्यक्ति है, तो वह अलौकिक या श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे है, ये आप इस कहानी के जो मैंने अभी सुनाया है उन अंशों के आधार पर निर्णय ले सकते हैं। तो अब पुस्तक पीछे समाप्त हुई, यहां पर पूरी पुस्तक नहीं समाप्त हुई है। आपको ये 12वां एपिसोड था, 12वें के बाद मैं 13वें में लेके आऊंगा दशरथ का कमीनापन। आप बने रहिएगा, आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। जब आप कमेंट करेंगे आप बताएंगे कि कैसी मैं ये पुस्तक आपके बीच में पहुंचा रहा हूं, जो अच्छी है या नहीं है, दोनों बताइए। अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो मैं यहीं पे फुल स्टॉप लगा दूंगा, और अच्छी लगती है तो मैं लगातार आपके जो बीच में ये पुस्तक अभी बची हुई है वो आपके पास पहुंचा दूंगा। तो अब थोड़ी सी समीक्षा हो जाए इस पुस्तक में जो हमने पढ़ा कि क्या रामेश्वर का अवतार है। इसमें चंद शब्द मैं भी जोड़ना चाहूंगा, हमारे महापुरुषों ने कुछ नहीं जोड़ा, वो यथावत लिखते आए हैं, लेकिन मैं नहीं रुक सकता क्योंकि मैं मेरी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि मैं जो समझ रहा हूं जो जान रहा हूं उसको मैं आप तक ना पहुंचाऊं। क्योंकि हमारे जो पहले पुरोधा थे पेरियार ई वी रामास्वामी, उन्होंने वाल्मीकि की पुस्तक को जो यथावत लिखा था वो अपनी पुस्तक के जरिए पहुंचा दिया उन्होंने। उसके बाद पेरियार ललई यादव जी और दो चार और महापुरुष ऐसे थे जो इसको हिंदी संस्करण में ले आए। उसके बाद जब हिंदी संस्करण में ले आए तो हमारे जैसे श्रोता पाठक उन्होंने इसको पढ़ा और देखा कि एक विष्णु एक अवतार लेने के लिए तीन कहानियां इसमें दर्ज हैं, इसके अलावा और भी कहानियां दर्ज होंगी, तो इसमें सत्यता क्या है? तो आप सत्यता इतनी समझ लीजिए कि भगवान जो निर्माण कर सकता है, ये जो भगवान निर्माण कर सकता है उसके ऊपर लांछन लगाने वाले कौन ये धृष्ट लोग हैं। विष्णु पर जो लांछन लगा है कि वह वृंदा के साथ जलंधर को मारकर वृंदा के साथ छल से उसके साथ सोया, उसके साथ संबंध बनाया, ये भगवान के लक्षण लगते हैं। आपको अपने भगवान पे आपको इतना ही भरोसा है, कितने कमजोर हैं आप, अपने भगवान के बारे में इतनी गलत गलत कहानियां लिखते हैं, आपसे नीच कोई नहीं होगा। फिर आओ अब जो दूसरी कहानी है वहां पर जो भोलेनाथ के जो साथी थे गण थे उनके, वो पहुंच जाते हैं और विष्णु जी दिनहे में शुरू हैं रति कीड़ा में। अब बताइए वो तो उतनी दूर तुरंत रात कर सकते थे, उतनी दूर बादल ला के अंधेला कर देते, ये किसी नीच की हरकत है, ये कोई बहुत गंदी मानसिकता का व्यक्ति है जिसने भगवानों पर इतने बड़े बड़े लांछन लगाए हैं। और वो नीच कौन है उसकी खोज करिए, मेरी बातें खराब लगती हैं, आप अपने भगवान के दामन पे कीचड़ नहीं बचा पाए लेकिन मेरे पे कीचड़ फेंकने इस वीडियो में जरूर आते हो। तो आप सभी से मैं ये बताना चाहता हूं कि मुझ पे कीचड़ फेंकने से पहले अपने भगवानों पे आए पहले से कीचड़ जो लगा पड़ा है। ये कहानी न पेरियार जी ने लिखी है, ये कहानी ना ललई सिंह यादव जी ने लिखी है, ना मैंने लिखी है, ये कहानी चली आ रही है आपके जो ब्राह्मण पुरोधा थे जिन्हें बहुत लिखने पढ़ने का शौक था, हमें तो लिखने पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, लेकिन जिनको ये अधिकार था
उन्होंने कैसे कैसे कुकर्मी भगवानों के बारे में बताया है, मैं नहीं मानता। अगर निश्चित रूप से विष्णु भगवान है तो उन्हें जब जरूरत लगेगी किसी नारी की तो वो तुरंत निर्माण कर लेंगे, किसी दूसरे की नारी को हाथ नहीं लगाएंगे अगर भगवान है तो। और जो कहता है भगवान ने विष्णु ने ऐसा ऐसा किया, उसको साले को 10 जूता मारना चाहिए कि वो भगवान के ऊपर भी लांछन लगाने पर चुप कर रहा है। तो साथियों, आप सभी अंधविश्वास और पाखंड की को खत्म करने के लिए बने रहिए जागो पंच के साथ। जागो पंच इसी तरह के पाखंड और अंधविश्वास को और मनुवाद की अर्थी को उठाने के लिए कंधों की तलाश कर रहा है। आप जुड़िए और इनको दफनाया जाए, जिससे एक अच्छे स्वच्छ समानता और भाईचारे के समाज का निर्माण हो सके। तो आप सभी से विदा चाहूंगा। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय पेरियार, जय ललई जी।